नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। और ये क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन यहाँ पर आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट आंसर है वन लाइनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन। तो मोस्ट प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। क्वेश्चन नंबर तीन, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल? तो डिस्क्रीट सिग्नल में डाटा रिप्रेजेंट होता है आपके डिजिटल कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम क्या है? सेलिको सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर ऑपरेटर अटेंशन? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्स वीडियो। तो ये है डिस्प्ले फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग। तो उस कंप्यूटर का क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें आपकी मेजरिंग भी होती है और काउंटिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, वट इज़ फोरटेन? तो ये है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, वट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन? तो उसे ही कहते हैं इंटरप्रेटर, जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। क्वेश्चन नाइन, वट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम? जो एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा उसे कहेंगे कंपाइलर, और जो लाइन बाय लाइन करेगा उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर टेन, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? तो पर्सनल कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं एडवर्ड रोबोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ई प्रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12, हु डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया गया था जेवी एटनसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज? तो वो लैंग्वेज कौन सी है जो क्लासिफाई की जाती है एज ए लो लेवल लैंग्वेज? उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज? तो वो था मोजैक, फर्स्ट वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज? तो जो वेबसाइट की फर्स्ट पेज आता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। क्वेश्चन नंबर 16, IBM stands for International Business Machine। क्वेश्चन नंबर 17, ऑफलाइन लैंस विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉपरेट। तो इसका करेक्ट आंसर है वैन वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू अगर उन्हें कनेक्ट करते हैं तो। नेक्स्ट 18, टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड? तो उसे क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफ़र, जब हम एक जो हमारे पास फाइल रहती है उससे कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन यूज? तो क्या यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं बैच प्रोसेसिंग को। क्वेश्चन नंबर 20, MICR stands for? तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन। क्वेश्चन 21, नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिक, ANIAC। नेक्स्ट 22, नंबर ऑफ डिफरेंट करेक्टर इन ASCII सेकेंड कोडिंग सिस्टम इज? तो वो है आपके 1024। 24, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज? तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड क्या है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनक्रिप्शन। 25, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग? तो फर्स्ट कंप्यूटर को प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया था? मशीन लैंग्वेज के द्वारा। 26, अ फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज? तो उस फॉल्ट को हम किस नाम से जानते हैं? उसे कहते हैं बग। 27, विच बटन मेक्स अल्फाबेट लेटर्स
इन अपर केस और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल्स, तो उसे क्या कहते हैं, शिफ्ट। अगर आप शिफ्ट यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो वहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट के साथ जो भी सिंबल्स वगैरह रहते हैं वो यूज़ हो जाते हैं। 28, व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स, तो बूटिंग प्रोसेस क्या परफॉर्म करती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बूटिंग। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। 29, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर कॉल्ड लाइक वर्ड, पावर पॉइंट, तो उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 30, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसकी यूनिट क्या है, डॉट पर स्क्वायर इंच। तो फिर से पढ़ते हैं इसको, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, तो आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर की जो यूनिट है वो क्या है, डॉट पर स्क्वायर इंच। नेक्स्ट, स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज, वो है VLSI। नेक्स्ट, द यूनिट किप्स इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ, तो किप्स जो यूनिट है उसका यूज हम किसकी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो वो है प्रोसेसर। 33, DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, 34, व्हाट इज जॉयस्टिक प्राइमरी इन कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर, तो जॉयस्टिक क्या है, ये है कंप्यूटर गेमिंग। 35, इन 1999 द मेलिसा वायरस वॉज वाइडली पब्लिश्ड, तो ये क्या था, ये था ईमेल वायरस जिसका नाम था मेलिसा वायरस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 36, विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज्ड टू गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर को रिबूट करना है तो उसके लिए कमांड कौन सी यूज़ करते हैं, CTRL प्लस ELT प्लस DEL। 37, विच इज करेक्टिंग एरर इन ए प्रोग्राम कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, डीबगिंग। नेक्स्ट, 38, BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट, 39, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, तो उस वायरस को क्या कहते हैं, वॉर्म। नेक्स्ट, 40, SMTP, FTP, DNS आर एप्लीकेशन ऑफ ब्लैंक लेयर, तो किस लेयर की एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन लेयर की। नेक्स्ट, 41, विच कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट, अगर आपको पूरे पूरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो आप यूज करते हो CTRL प्लस A। 42, COBOL इज एन एंक्रोनिम फॉर, तो COBOL की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 43, द एबिलिटी ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट वन टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, एक ही टाइम में जब आप चार से ज़्यादा एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। 44, व्हाट इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले द सेव बॉक्स, सेव एज बॉक्स, तो अगर आपको सेव एज बॉक्स को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप यूज करते हो F12। 45, फुल फॉर्म ऑफ NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, 46, समथिंग विच हैज इजली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेट टू बी, तो उसे क्या कहते हैं, एनालॉग डाटा। 47, अ मॉडम इज कनेक्टेड टू, तो मॉडम किसके साथ कनेक्ट होता है, ये होता है टेलीफोन लाइंस के साथ। 48, रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन, तो उसे मेजर करते हैं हर्ट्स में। 49, व्हाट इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो चीफ कंपोनेंट है वो कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब और वेल्व्स। 50, नेम द फादर ऑफ कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस के फादर कौन है, तो उनका नाम था डगलस एंगलबर्ट। 51, अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क वाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स। 52,
द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं टोपोलॉजी। 53, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, तो बेसिक जो गोल रहता है कंप्यूटर प्रोसेस का वो क्या रहता है, डेटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन में। 54, वेयर आर द सीपीयू एंड मेमोरी लोकेटेड, तो सीपीयू और मेमोरी कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, वही होते हैं मदरबोर्ड में। नेक्स्ट 55, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ आईबीएम कंपनी, तो वो थे थॉमस जी वॉटसन। नेक्स्ट 56, तो 56 आपके पास क्या है, एन इमेज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिखती है वो किसकी बनी होती है, पिक्सल। नेक्स्ट 57, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट 58, विच कमांड इन डॉस कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल, तो उस कमांड का नाम क्या है, अनडिलीट, यू एन डिलीट। 59, अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज अलोन एट ए टाइम इज कॉल्ड, उसे कहते हैं कैरेक्टर्स। नेक्स्ट 60, इन विच ईयर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वॉज फाउंडेड, तो माइक्रोसॉफ्ट कब फाउंड हुई थी, 1975 में। 61, वट इज़ द पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज एंड यूजेज अ ग्राफिक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, तो उसे कहते हैं विंडोज। नेक्स्ट 62, वट आर लाइट पेन एंड जॉयस्टिक, तो लाइट पेन और जॉयस्टिक आपके पास क्या है, ये है इनपुट डिवाइसेस। 63, वट इज हाफ बाइट ऑल्सो कॉल्ड एज, हाफ बाइट क्या कहते हैं, निबल, तो एक बाइट आपके पास होता है 8 बिट्स का, और आपके पास अगर 4 बिट्स है तो उसे कहते हैं एक निबल। नेक्स्ट 64 क्या है, SMPS स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। 65 क्या है, व्हाट डू वी यूज टू चेंज द अपीयरेंस एंड पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। 66, अ ब्लैंक इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट्स, तो वो क्या चीज़ है, मेगाबाइट, मिलियंस बाइट के बराबर रहता है। नेक्स्ट 67, डेजी व्हील, ड्रम, चेन, ये क्या चीज़ है, तो ये है प्रिंटर्स। नेक्स्ट 68, XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 69, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज द HTTP प्रोटोकॉल, ये क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स स्कीम है। 70, मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी का। नेक्स्ट 71, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, तो OSI की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 72, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज BIOS, तो ये है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। 73, व्हाट इज द एक्सटेंशन टाइप ऑफ Excel 2007 फाइल, तो ये है .xlxs। नेक्स्ट 74, कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ, तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। तो 75, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग। 76, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, अ कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक उसके पास क्या ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। 77, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप, प्रोग्राम चिप का और नाम क्या है, तो है LSIC। 78, अ नॉर्मल CD-ROM यूजली कैन स्टोर अप टू डाटा, कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं,
तो 680 MB डेटा तक स्टोर किया जा सकता है, और जो नॉर्मल सीडी रोम रहती है। 79, व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लोकल एरिया नेटवर्क। ASI सेकेंड स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII। 82, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, तो ये कब बने थे? 1956 से लेकर 1965 के बीच में। 83, व्हेन डिड आर्क रिवाइल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर डिसाइड टू जॉइन हैंड्स, तो इन्होंने कब डिसाइड किया था? तो वो किया था 1991 में। 84, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलटाइल? तो वो है रोम। रोम आपके पास स्टैटिक भी रहती है और नॉन वॉलटाइल भी होती है। नेक्स्ट 85, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। एक एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। व्हाट इज एन अल्टरनेटिव कंप्यूटर जैगन वॉइड? तो क्या कहते हैं उसे? ग्लिच। नेक्स्ट 86, अनवांटेड रेपिटियस मैसेज सच एज अनसोलिस्टिक बल्क ईमेल इज नोन एज, तो उसे क्या कहते हैं? स्पैम। 87, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज, तो जब कोई किसी का पासवर्ड चोरी करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पूफिंग। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 89, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो थे डेनिस रिची। 90, रैम कैन बी ट्रीटेड एज द वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर, तो रैम को क्या कहते हैं? वेटिंग रूम ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। 91, कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। 92, जॉसी परफ्यूम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या चीज़ है? ये है वायरसेस। नेक्स्ट 93, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल फ्रॉम ए क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ इन्फॉर्मेशमेंट स्पेशली कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर फॉरेंसिक। तो जब आप क्या करते हो, रिकवर करते हो जो भी डेटा रहता है किसी भी क्रिमिनल का कंप्यूटर है, वहाँ से आपका डेटा डिलीट हो चुका है, उसे आप रिकवर कर रहे हो, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक। 94, वेयर डज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट विद इन ए कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, तो सबसे पहले डाटा कहाँ जाता है? वो रैम में स्टोर होता है। 95, हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बॉटम, तो ये जो हेल्प मेनू है ये आपके स्टार्ट बटन पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट 96, विच फाइल कंटेन परमानेंट डाटा एंड गेट अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो है मास्टर फाइल। तो मास्टर फाइल में आपके पास परमानेंट डाटा रहता है और जो अपडेट होता रहता है आपके साथ ट्रांजेक्शन के साथ साथ। 97, अ DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो DVD एग्जाम्पल किसका है? ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट 98, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, तो मोस्ट कॉमनली यूज हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में? पासवर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट 99, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली असेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन ए कंप्यूटर चिप एंड दस एनहांसेस इट्स स्पीड इज रेफर्ड एज, तो उसे कहते हैं रिस्क। नेक्स्ट 100, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर यूजर इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट, तो उसे कहते हैं स्पाई बॉट, जिसमें हम क्या करते हैं एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो क्या करता है यूजर की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, इकट्ठा करता है और उसे सेंड करता है इंटरनेट के थ्रू, स्पाई बॉट। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करी कंप्यूटर साइंस के बेसिक के कुछ एक 100 क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।